ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद को साबित करने का एक मौका और मिला था, लेकिन वो उसमें भी चौंक गए। जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने पहले इम्तिहान में पास हुए हैं, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। दरअसल इस बार चुनाव में सिंधिया को पूरे महाराष्ट्र का जिम्मा सौंपा गया था, वो स्क्रीनिंग कमेटी के मुख्य सदस्य थे। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का क्या हाल रहा, ये नतीजों से जाहिर हो गया है। कांग्रेस यहाँ 44 सीटें ही जीत सकी है। वैसे भी चुनाव के दरमियान भी सिंधिया पर गलत प्रत्याशी चयन के आरोप लगते रहे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का विरोध तो इस मामले में काफी मुखर भी रहा। दूसरी तरफ झाबुआ उपचुनाव के रूप में सीएम कमलनाथ का पहला इम्तिहान था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि कमलनाथ ने इसे बखूबी पास किया है। जबकि सिंधिया झाबुआ में चुनाव प्रचार करने से कन्नी काटते रहे, तो अब उनका ये क्लेम कर पाना भी मुश्किल है कि झाबुआ में मिले प्रचंड वोट में उनका हिस्सा भी शामिल है। यानी ये खामोश बगावत लगातार संध्या की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।